आज ऑनलाइन कक्षा 8 के स्टूडेंट्स को हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ 4 बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इस पाठ को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस में जो मुख्य थीम है उसके बारे में बताया जा रहा है, बिहार और झारखंड के आदिवासियों पर अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा बहुत अत्याचार किए जाते थे। मुंडा जनजाति में जन्मे बिरसा ने इस अत्याचार का विरोध किया और आदिवासियों को दशा सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार इस पूरी कहानी को पढ़ करके समझना है और अच्छे से तैयार करना है, तथा कुछ प्रश्न और उत्तर बाद में कराए जाएंगे। सबसे पहले शब्दार्थ इसमें काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं, जिनमें कुछ शब्द और अर्थ आज की डेट में सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे, जिन्हें बताया जा रहा है। ये शब्द और अर्थ एक से लेकर 15 तक आज सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे। संपदा, संपत्ति, धन या दौलत। दूसरा शब्द है विस्तृत, फैले हुए। तीसरा शब्द है गर्भ यानी पेट। अगला वर्ड है खनिज, खान से निकाला गया। अगला शब्द है मूलतः, मूल रूप से या आरंभ में। आदिवासी किसी देश के मूल निवासी को कहते हैं। सामंतों, बड़े जमींदारों। दूभर, कठिन यानी मुश्किल। विरासत, वंश परंपरा से प्राप्त हुई वस्तु। विवश, मजबूर। आश्वासन, भरोसा देना, विश्वास दिलाना। साकार होना, पूरा होना। निम्न वर्गीय, नीचे वर्ग के लोग। तथा हट, पकड़ लेना, जिद करना। और दिल पर पत्थर रखकर मन कड़ा करके। इस प्रकार 1 से 15 तक ये शब्द और सभी स्टूडेंट आज अपने नोटबुक को लिखेंगे और तैयार करेंगे। आज के लिए कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।